सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रावण मास चल रहा है, सभी से भक्तों को हर हर महादेव। अभी मुझे किसी व्यक्ति ने एक वीडियो दिखाया, जैसे मैंने इससे पहले जो ट्वीट किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कांवड़ियों के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पे कुछ विधर्मियों ने ढाबे बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं देवी देवताओं के नाम से, जैसा कि उनका स्वभाव है, नाम बदलकर भेष बदलकर काम करते हैं। और इसके पीछे एकमात्र रीजन है हमारे धर्म को भ्रष्ट करना। अब बहुत से लोग कहते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको है कि हम अपना धर्म भी ढंग से न निभा सके, ये उनको प्रॉब्लम है, हमसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक और वीडियो मुझे किसी ने दिखाया है कि एक व्यक्ति विधर्मी मंदिर के पास बैठा है, मंदिर के आसपास बैठा है और वो माला बना रहा है, माला बना रहा है भगवान के लिए। अब क्योंकि लोग आएंगे तो माला खरीदेंगे तो भगवान को पहनाएंगे। अब उस माला बना रहे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, है जानते हो क्या बुराई है, वो व्यक्ति प्रत्येक फूल पर थूक लगा रहा है और फिर उसे माला में पुरो रहा है और फिर वो माला बना रहा है, हर एक फूल पे थूक लगा रहा है, हर एक फूल पे। अब जब वो हर एक फूल पे थूक लगा रहा है, जो अननोन व्यक्ति हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं है, उन्हें नहीं पता है। एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चुप बैठा रहा हूं, मुझे देखकर भी मैं अनदेखा कर दूं और ये कहूं कि जाओ पहनाओ माला, जो थूक लगे हुए फूल हैं उनकी माला ठाकुर जी को पहनाओ, जीवन में पाप एकत्रित करो, इन बधर्मियों का थूक ठाकुर जी के गले तक पहुंचवा दो। अथवा एक ऑप्शन यह है कि मैं आपको जागरूक करूं और ये कहूं कि अगर कोई विधर्मी ऐसा कार्य कर रहा है तो आपको सचेत होना चाहिए। यहां पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, खाना पीना और पूजा का सामान, ये कार्य आपको सोच समझ के करना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो सनातनी नहीं है उससे पूजा का सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो माला हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो पोशाक हो, कोई भी ऐसी चीज हो जहां से आपके धर्म को खंडित करने की प्लानिंग हो सकती है। भोजन में थूक कर सकते हैं, वो भोजन में मल मूत्र भी त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं और फिर माला को थूक फूल से थूक लगा लगा के बना रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, पहले कोई भी पूजा का सामान खरीदने से पहले पूछ लें आप कौन है, आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए और अगर सनातनी हो तो आप लीजिए। इसी तरीके से अपनी धर्म और अपनी निष्ठा को आप बचाए रख सकते हैं, थोड़ी सी जागृति आपको लानी पड़ेगी। आप जाग गए तो औरों को भी जगाने के लिए वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। राधे राधे।